फांसी का नहीं सही में आप एकदम पूरा गोल मारा जी बोला चले है जाओ गिलास ले आओ वहां से आ रहा खिचड़ी कहाँ उड़ो खिचड़ी कहाँ हो? नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। आज मकर संक्रांति है। पूरे बिहार में अलग अलग जगह पर कई नेता मकर संक्रांति अपने आवास पर मना रहे हैं या फिर अपने कार्यकर्ता के साथ मना रहे हैं, लेकिन आज हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तस्वीरें हैं। ऐसे तो पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि जहां जिसकी जरूरत होती है, जब प्रशासन नहीं पहुंचती, जब कोई लोग मदद के लिए नहीं पहुंचते, वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं। जी हां, इसलिए उन्हें अक्सर गरीबों का मसीहा कहा जाता है, बेसहारों का सहारा कहा जाता है और लोग बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। आज जो तस्वीरें निकल कर आई है वो जाप के पूर्वी जिलाध्यक्ष सत्यानंद के आवास पर की है, जहां मकर संक्रांति का भोज चल रहा है। लेकिन इस भोज में जो सबसे सुंदर तस्वीर है वो ये कि पप्पू यादव खुद अपने हाथों से लोगों को खाना बांट रहे हैं। तो आप देख सकते होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से पप्पू यादव खुद खड़े होकर खिचड़ी बांट रहे हैं लोगों को। जब एक बार खिचड़ी खत्म हो जाती है, फिर से वो दोबारा खिचड़ी लाने को कहते हैं, बर्तन में फिर से खिचड़ी आती है और फिर से बारी बारी से एक एक लोग को वो अपने हाथों से खिचड़ी खिला रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि लोग कितना आनंद उठा रहे हैं। लोग भी बहुत खुश हैं कि खुद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उन्हें खाना बांट रहे हैं। लोग बारी बारी से लाइन हैं। और ये जो सारी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो भोज का आयोजन किया गया था, ये आयोजन बस नेताओं या कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। इस आयोजन में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। आप तस्वीरों में पुलिस वाले को भी देख सकते हैं, आम नागरिकों को भी देख सकते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, सयान, हर कोई है। मतलब हर उम्र के लोग इस भोज में हिस्सा लिए हैं और खिलाने वाले की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है वो पप्पू यादव की है, कि पप्पू यादव भी उस रो में खड़े हैं, लोगों को खाना अपने हाथों से परोस रहे हैं। एक एक लोगों को खाना अपने हाथों से परोस रहे हैं। वहां पर तमाम लोग भी मौजूद है और जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो पूरा मकर संक्रांति का जो भोज है, इसका आयोजन जन अधिकार पार्टी के पूर्वी के जिला अध्यक्ष सचिदानंद के यहाँ किया गया है, उनके आवास के पर किया गया है। और पप्पू यादव भी वहां पहुंचे हैं, लोगों को अपने हाथों से खाना बांट रहे हैं। लोग कितने आनंद से वो खाना खा रहे हैं, आप ये भी देख रहे होंगे तस्वीरों में। आप अक्सर पप्पू यादव को देखते होंगे कि जब भी बिहार के जिस भी जिले से ये खबर आए कि किसी की हत्या हो गई हो, किसी को इंसाफ न मिल रहा हो, अगर कोई वहां नहीं पहुंचता है तो पप्पू यादव सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। पप्पू यादव जाते हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हैं, उन बेसहारों का सहारा बनते हैं। शायद इसलिए भी पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। और अगर इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो खुद पप्पू यादव अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किए हैं। और साथ में अगर आप कमेंट की बात करें तो कमेंट में तो बौछार लग गई है तारीफ की। लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ कुबेर नेता अपने घर में धन जमा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव धन को गरीबों पर लुटाते हैं। यानी कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव का गरीबों के लिए एक अलग ही क्रेज है। लोग उनको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, लोग उनको काफी पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। आप पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।